हाँ भाई बोल ना भाई, आखिर एक आर्टिस्ट कैसे बनते हैं यार बता ना। सच बताओ, मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता भाई, मुझे भी नहीं पता। आखिर एक आर्टिस्ट बनते कैसे हैं यार? मुझे ड्राइंग करना हमेशा से पसंद था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आगे चल करके मुझे एक आर्टिस्ट ही बनना है। उस डिसीजन के बाद मैं अब भी अपने आप से पूछता हूँ, क्या सच में मुझे यही करना था? जुलाई 2019, इस दिन तू अपना यूट्यूब चैनल बनाएगा, लेकिन तुझे अब तक पता नहीं है कि तू किस तरह के वीडियोस अपलोड करेगा। तू लोगों के वीडियोस देख देख कर सीखने लगेगा। चिंता मत कर, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद तुझे तेरे इंस्पिरेशंस मिल जाएंगे। तू चार्ल्स लेविस हो और जोनो ड्राई के वीडियोस से बहुत कुछ सीखेगा, और पहली बार तू अपने लाइफ में एक रियलिस्टिक ड्राइंग बनाएगा। तू अपने ड्राइंग स्किल्स पर वापस से काम करने लगेगा। तू रिटर्न ऑफ हनुमान बार बार देखेगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि तेरी ड्राइंग की शुरुआत हनुमान जी की तस्वीर बनाने से भी, बल्कि इसलिए कि आखिर तेरे फेवरेट भगवान भी तो वही है। इन सब के साथ साथ तू अपने व्यूअर्स को ये तो बता कि तूने कब और कैसे ड्राइंग करना शुरू किया था। हेलो, तो कैसे हैं आप सर? मैं इस बार एक आर्ट कंपटीशन को लेकर कुछ एक आध सी तैयारियां करने वाला हूँ, और आप कहीं बैठकर इस वीडियो को एंजॉय करने वाले। ये मेरी कहानी एक लड़के की, और जिसका एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने का छोटा सा सपना है। इससे पहले कि हम आज की कहानी में और आगे बढ़े, पहले एक टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का पैक लेते हैं। टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का पैक मिल जाएगा, रबर वाला, वो रिफिल चाहिए उसका। नेक्स्ट मीटर हिसाब से 250 इरेजर का पैक मिल गया। ये ड्राइंग बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करूं इसको। सभी सोच रहे होंगे कि मैं बाहर क्यों आया। ड्राइंग का जो पेपर था वो कोल्ड प्रेस पेपर है, और उसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ज्यादा रफ टेक्सचर के ऊपर जिस तरह का मैं आउटपुट निकालना चाहता हूँ ड्राइंग बनाकर, वो पॉसिबल नहीं है। फिलहाल अभी मुझे एक पेपर खरीदने के लिए जाना पड़ेगा। दिक्कत ये है कि आज संडे है, तो इसलिए बहुत सारी दुकान सब भी बंद है। अभी मुझे पेपर वो चाहिए, पता नहीं कहाँ से मिलेगा। बस पता चल जाए कि कहाँ पे अवेलेबल है, मैं 6-7 किलोमीटर दूर भी जा सकता हूँ साइकिल के साथ। देखते हैं। गए तो थे पेपर लाने के लिए, साथ में ईजल भी लेकर आए। साल 2010 से ही ड्राइंग और एनिमेशंस का दीवाना बन जाए, थैंक्स टू द शो द रिटर्न ऑफ हनुमान। थैंक यू कर अपने उन दोनों दोस्तों का, सचिन और श्रवण का, जिनके ड्राइंग से तू बहुत ज्यादा इंस्पायर होता था। ये भी तो बता, 6th स्टैंडर्ड में तुझे जिस ड्राइंग कंपटीशन पूरे स्कूल भर में फर्स्ट प्राइज मिला, उसमें तूने पार्ट भी तो इसीलिए लिया था ना कि तुझे मन ही मन अपने एक दोस्त को इम्प्रेस करना था, जो कि अब तेरे सर्कल से दूर जा चुके। तो लेकर के आ गया कल, और आज थोड़ा सा काम भी चालू किया उसके ऊपर। कंफ्यूज हो रहा हूँ, डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि पुराने वाले के साथ जाऊँ या फिर वापस से वो सारी चीजें बनाता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। बात ये है ना कि ये जो पुराना वाला ड्राइंग है, इस पे सब प्रपोर्शन सब इतने अच्छे से बना हुआ है करेक्टली, मुझे वापस नए पेज पे ड्रॉ करने का मन ही नहीं हो रहा। डिसीजन अभी के लिए मैं फिलहाल डिसाइड करूंगा मुझे करना क्या, उसके बाद देखते हैं कि मैं नए पेपर के साथ ड्रॉ करता हूँ या सी आउटडोर के साथ जाऊंगा। देखते हैं। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.
got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. अभी टाइम है ट्यूशन के लिए निकलने का, ट्यूशन पढ़ाने. मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट घर पे ट्यूशन कराने के बाद. जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है इस आर्टवर्क के बारे में. एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि ये आर्टवर्क ज्यादा लोगों तक पहुँचे. कॉन्टेस्ट के दौरान मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है. अभी के लिए हम बस इस पेपर के ऊपर पानी फैला करके उसे छोड़ देंगे सूखने के लिए, ताकि वो एकदम फ्लैट हो जाए. वो ज्यादा ग्रेफाइट पाउडर्स को एब्जॉर्ब करेगा. तो मुझे लगता है ये आइडिया थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा. धड़कने सुने खामोशी तेरी, तू ना कुछ कहे फिर भी मैं सुनूं. ये प्यार है, ये प्यार है, ये जान ले, ये मान ले. हाँ प्यार है, हाँ प्यार है, ये जान ले. जानो ड्रॉइंग के स्क्रीन टेक्सचर सबको देख सकते हैं और ड्रॉइंग कुछ ऐसा दिख रहा है. एज एन आर्टिस्ट मुझे बहुत बार सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करने का जरूरत पड़ता है. सो मैं बस अभी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ. जब तक मैं अपने सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड फील नहीं करूँगा, तब तक शायद इसी वजह से बहुत बार आर्ट वर्क सब ऐसा फ्लो में नहीं बन पाता. ओके तो अभी रात के 10:35 हो रहे हैं और अब जाकर के आर्ट वर्क थोड़ा सही पोजीशन पे है. बाकी कम्प्लीटली फिनिश नहीं हो पाया और इतना भी वक्त मैं उतना ही भेजने वाला हूँ. कई पिक्चर लेते हैं. मैं अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पे होगा, जिसके बारे में तू अपने दोस्तों से भी बात नहीं कर पाएगा. तेरे दोस्त भी होंगे तेरे साथ, फिर भी तू निगेटिव फील करेगा. तेरे लाइफ में ना बहुत उथल पुथल मची रहेगी, तू डिप्रेस सा जीने लगेगा. रिश्तेदार तो आएंगे तेरे घर पे, पर तुझे और तेरी फैमिली को सपोर्ट करने नहीं, बल्कि तेरी मुसीबतों को और भी ज्यादा बढ़ाने. 12th स्टैंडर्ड में तेरे मार्क्स इतने खराब क्यों है, लोग अब तक नहीं समझ पाएंगे. सब कुछ होने के बाद वो अपने डॉग से भी तो बिछड़ेगा, ये भी कहाँ गम था. कॉलेज में बार बार तेरे दोस्त से पूछेंगे, मुझे कहेंगे कि भाई तू खुश रहा कर, तू इतना उदास क्यों रहता. तो अब फर्स्ट ईयर वाला वो बोल्ड रवि नहीं रहा, केवल तो कॉन्फिडेंस भी गिर गया है भाई. लौट आया उस पुराने रवि को वापस लेकर के.
साल 2020, एक नया साल, एक फ्रेश स्टार्ट। तू अपने सभी दोस्तों से कट ऑफ कर चुका होगा। तेरा बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कि तू किसी भी दोस्त से कांटेक्ट करे। तेरा बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कि तू किसी भी दोस्त से बातचीत करे। तू भगवान से अब मांगना छोड़ चुका होगा। तू अब भी परेशान है भाई, लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं हुआ। इतना सब कुछ होने के बावजूद तू ड्रॉइंग वापस से शुरू करेगा। तू प्रैक्टिस करेगा, एक के बाद एक फर्स्ट और थर्ड प्राइज भी जीतेगा। सिर्फ एक स्कूल या कॉलेज भर में नहीं, बल्कि एक स्टेट और एक यूनिवर्सिटी के बीच। तेरी भूख यहाँ पे खत्म नहीं होने वाली, इतने से तेरा मन नहीं बढ़ने वाला भाई। तू ड्राइंग की शुरुआत तो अपना मन भरने के लिए करेगा, और धीरे धीरे अब तुझे ड्राइंग की लत सी लगने लगेगी। और फिर एक दिन तेरी वही दोस्त तेरी लाइफ में वापस आएगी और तुझे खुद के और तेरे काम के प्रति वैल्यू करना सिखा जाएगी। कैसे आप सब? बढ़िया है भैया जी। आज थोड़ा सा समय मिला, बाकी हमें लगा कि आज थोड़ा बाहर घूम करके आना चाहिए, तो हम भी आ गए बालाजी मंदिर। ये जान ले, जानो ना क्यों, मैं भी तो हूँ। ये आसमां के तारे सभी हैं ये हमारे, तो अनजाने हो क्यों तुम। मिला है जो समा, न होगा फिर यहाँ, तो कह दो ना तुम भी। प्यार है, प्यार है, ये जान ले। कपिल भैया वहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, हम यहाँ हेलमेट के साथ झूल रहे हैं। और कुछ नहीं भैया जी, क्या मंगाया जा रहे हैं? तो अब दर्शन का समय हो चुका है समाप्त, अभी समय है कपिल भैया को चाय पिलाने का। चलिए चाय पीते हैं और फिर घर के लिए निकलते हैं। आप तो बोल रहे थे कि आप चाय ही नहीं पीते। वो तो होते रहता है। तो भैया अभी निकलने ही वाले थे कि बारिश शुरू हो गई। फिलहाल बारिश थोड़ी सी थमी है, तो अभी हम निकलते हैं। प्यार है, प्यार है, ये जान ले, ये मान ले। प्यार है, प्यार है, ये जान ले। तो कहानी खत्म। तो भैया आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा है कि एक आर्टिस्ट कैसे बने, उसका जवाब दिए बिना हम कैसे जा सकते हैं? बाकी रहा बात एक आर्टिस्ट बनने का, वो तो आप पहले दिन से ही है, जिस दिन आपने अपना पहला आर्टवर्क बनाया। और अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट कैसे बनते हैं, तब तो मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता। बाकी मन लगा के काम करते जाइए, प्रोफेशनली काम करते जाइए, क्या पता एक दिन आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन चुके होंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता ही है क्या करना है।